और आप देख रहे हैं खबर खिड़की। हरियाणा 1966 में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और हरियाणा बनने के बाद अब तक के लगभग 56 वर्षों के सियासी सफर में राजनीति में कई रोचक और दिलचस्प किस्से हैं। हरियाणा में कई बड़े राजनीतिक घरानों का अपना दबदबा रहा और इन परिवारों के सदस्य आज भी राजनीति में सक्रिय हैं। इनमें हरियाणा के 3 लाल, चौधरी देवीलाल, बंसीलाल और चौधरी भजनलाल बड़े सियासी परिवार रहे हैं। इनके अलावा कैप्टन अजय यादव का घराना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा घराना, खुर्शीद अहमद घराना वैसे भी अपनी एक लंबी राजनीति रही है। हरियाणा की राजनीति में कई ऐसे परिवार भी रहे हैं जिनके सदस्य बाद में खुद को राजनीति में स्थापित नहीं कर पाए और समय के साथ वे हाशिए पर भी चले गए। जबकि कुछ ऐसे राजनीतिक घराने हैं जिनके सदस्य आज भी पूर्वजों की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवतदयाल शर्मा के बेटे राजेश शर्मा अपने पिता की राजनीति विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर विधायक बने और मंत्री भी बने, मगर अपने पिता की तरह से सियासत में खुद को स्थापित नहीं कर पाए। जिंदल घराने से ओम प्रकाश जिंदल के बाद उनकी पत्नी सावित्री जिंदल विधायक चुनी गई और मंत्री भी रही। उनका बेटा नवीन जिंदल भी सांसद बना, मगर अपने पिता की तरह से नवीन जिंदल भी खुद को राजनीति में प्रभावी तरीके से स्थापित नहीं कर सके और लंबे समय से वे राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं। इसी तरह से एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मास्टर हुकम सिंह के सदस्य भी सक्रिय राजनीति में अपना असर नहीं दिखा पाए। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।